हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे प्रॉपर तरीके से स्काई स्कैनर का यूज कर पाओगे। जो लोग फर्स्ट टाइम स्काई स्कैनर का नाम सुन रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं, स्काई स्कैनर एक ग्लोबल एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप 3 सर्विसेज ले सकते हो। क्या क्या? फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और कार सर्विसेज, जिसमें से 2 मेरा फेवरेट है। वन इज फ्लाइट बुकिंग और दूसरा है होटल बुकिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली चीपेस्ट प्राइस में आप फ्लाइट या होटल का बुक कर पाओगे। कैसे करोगे नहीं करोगे मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। मैं आज आपको कंप्यूटर में स्क्रीन में दिखाऊंगा सो दैट आपको इजीली समझ में आए सब कुछ, क्योंकि स्क्रीन बड़ा रहेगा और आपको समझाना आसान रहेगा। आप चाहो तो इसको आप अपना मोबाइल में एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके, नहीं तो गूगल क्रोम में जो स्काई स्कैनर है वो लिखोगे तो आ जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप इतना टेंशन मत लो कि कैसे फाइंड आउट करना नहीं करना, सिंपली क्लिक करके आप वेबसाइट में या एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे। ओके, जैसे आप गूगल में आ जाओगे सिंपली सर्च करना स्काई स्कैनर। ओके, जैसे स्काई स्कैनर यूज करोगे, क्योंकि वेरी फेमस वेबसाइट जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप पहले ही आ जाएगा स्काई स्कैनर फ्लाइट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये फ्लाइट ऑप्शन सारे दिखा देगा, क्या क्या बुक कर सकते हो, फ्लाइट, होटल और कार्स, जैसे मैंने पहले ही बोला था। इसके बाद मान के चलो आपको इंडिया से या दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, किसी भी सेक्टर में जाना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आज की डेट में कौन सी ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे सेम फ्लाइट सेम टाइमिंग के लिए और रेट सबसे सस्ता है। ये क्या करता है, बेसिकली सारे वेबसाइट का यहाँ कंपेयर करके आपको दिखा देता, बता देता कि इस वेबसाइट से अगर बुक करोगे तो आपको इतना सस्ता मिलेगा, इस वेबसाइट से करोगे तो इतना प्राइस लगेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे आप दिल्ली से मुंबई ले लो और डेट कोई भी ले लेते हैं, जैसे 29th August ले लेता हूँ मैं, और वन साइड ले लेता हूँ मैं, रिटर्न में यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं, डिपार्चर इतना डेट कर लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे करूँगा मैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्राइस आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे काफ़ी सारे फिल्टर आ रहा है, आप इस फिल्टर की यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डायरेक्ट, वन स्टॉप, 2 स्टॉप्स प्लस, आपको कैसे चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, कहीं पे स्टॉप नहीं चाहिए, सिंपली बाकी सबको हटा दो, तो यहाँ पे जो आ गया डायरेक्ट आ गया। बाकी डिपार्चर टाइम की किस टाइम में जाना चाहते हो नहीं चाहते इसका फिल्टर लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। फिर नीचे आ रहा है एयरलाइंस, कौन सा एयरलाइंस में कितने प्राइस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं। आप चाहो तो इसको क्लिक करके अपना फेवरेटिज्म कर सकते हो, बट फॉर नाउ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे यूज करोगे लोएस्ट प्राइस फ्लाइट को यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे जो आ रहा है बेस्ट, जो आ रहा है बेस्ट मतलब जो एवरेज टाइम लेता है उसके हिसाब से इन लोग बेस्ट फिल्टर लगा रखा है 3466। चीपेस्ट जो आ रहा है मतलब सबसे जो कम प्राइस का आ रहा है 3210, और जो फास्टेस्ट जल्दी सबसे जो पहुंचने वाला है उसका प्राइस आ रहा है 3614। मान के चलो चीपेस्ट प्राइस मैं देखना चाहता हूँ, स्पाइस जेट का जो फ्लाइट है 6:10 मॉर्निंग का है, जो कि 2 घंटे 10 मिनट लगेगा बॉम्बे पहुंचने में, 8:20 में पहुंच जाओगे। अब मुझे ये चेक करना है ये जो रेट आ रहा है 3210 कौन सी वेबसाइट में है। आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि इजी माई ट्रिप में जाके कितना दे रहा है, पेटीएम में कितना है, या मेक माई ट्रिप में कितना है, या इक्सिगो में कितना है। तो बेटर यहाँ पे आप देखोगे सारे रेट इकट्ठा सारे वेबसाइट के अगेंस्ट आपको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट्स मोजो में देखोगे तो 3281, ट्रिप्स 5 में दिखाओगे तो 3283, बजट टिकट में देखोगे तो 3308, क्लियर में 3444, अलग अलग 3616, ये धीरे 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 बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे फ्लाइट का सारे वेबसाइट का यहाँ पे रेट दे रखा है। मान के चलो मेरे को 5 से बुक करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 5 के वेबसाइट में पहुँच जाओगे। फिर जैसे नॉर्मली जो टिकट बुकिंग होता है इसमें आपको नेम डिटेल सब कुछ डालने के बाद जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपके फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या ये सेफ्टी है, क्या ये वेबसाइट लीगल है। मैं बता दूँ स्काई स्कैनर जो वेबसाइट है कोई छोटे मोटे वेबसाइट है नहीं, वर्ल्ड वाइड चलता है। आप चाहो तो गूगल में या यूट्यूब में जाकर सर्च करके इसके बारे में आप रीड कर सकते हो कि कितना बड़ी वेबसाइट है, तो बिल्कुल रिलायबल है। आप जाके आप अपना ट्रैवल कम से कम प्राइस में आप कर सकते हो, स्पेशली अगर आप फ्लाइट बुक करोगे या होटल बुक करोगे उसके लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। ये तो हो गया आपके फ्लाइट, ठीक है, यहाँ पे सारे डिटेल्स है 5 में, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल के आप अपना सिंपली पेमेंट करोगे, आगे का मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिमिलरली अगर मान के चल रहे हो कि यार ये वाला फ्लाइट वेबसाइट तो मैंने कभी सुना नहीं, पता नहीं सेफ है कि नहीं है, तो आप अपना क्लियर ट्रिप का नाम तो सुना होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो फिर वहाँ जाके पहुँच जाओगे, फिर आप बुक कर लो। अदरवाइज आप क्या करोगे, ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे कम से कम प्राइस है। 10 वेबसाइट आप देख लोगे उसके बाद भी आपको पता नहीं चलेगा आज की डेट में कौन सी वेबसाइट में कम से कम प्राइस में फ्लाइट बुकिंग हो रहा है उसी सेक्टर में उसी टाइमिंग का उसी फ्लाइट का, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लाइट, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। होटल बुक करना है तो कैसे करोगे, मैं इसको बैक टू सर्च करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे होटल। जैसे होटल करोगे यहाँ पे डेस्टिनेशन डाल दो,
मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, मैं चेक इन अब एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 30 अगस्त को मैं चेक इन करूंगा, 31 को निकलूंगा, एक रूम चाहिए और 2 एडल्ट्स के लिए। सर्च होटल्स जैसे करोगे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएगा, लेफ्ट में भी इतना सारे फिल्टर, प्राइस रेंज है, स्टार्स आप कौन सा 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार्स कौन से होटल में रुकना चाहोगे सारे अवेलेबल है यहाँ पे। एकोमोडेशन टाइप कौन सा लेना चाहते हो, प्रॉपर होटल लेना चाहते हो, गेस्ट रूम, अपार्टमेंट, हॉलीडे, रेंटल, रिजॉर्ट, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसके बाद रिकमेंडेशन मतलब जो आपके रिक्वायरमेंट है और लोगों का जो यू नो फीडबैक है उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करता है, टॉप रिव्यूअर्स, लोएस्ट प्राइस, मोस्ट स्टार्स, इसके हिसाब से आप अपना फिल्टर आउट कर सकते हो। अब मान के चलो जैसे टॉप रिव्यूज में या लोएस्ट प्राइस में, आप मान के चलो टॉप रिव्यू में यहाँ पे एक आ रहा है, कोई भी एक ले लेते हैं, रिजॉर्ट्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे 10,130 पर नाइट आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। जैसे गो टू साइट्स करूँगा मैं, ये कौन सा वेबसाइट में दे रहा है, एगोडा में बेसिकली, देखो एगोडा में आ रहा है इतना, और booking.com में आ रहा है 20,000 और प्रेस्टीगेज़ में आ रहा है 13,000, तो इतना सारा रेट का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स आपको एगोडा से बुक करना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे रैंडमली वेबसाइट से बुक करने जाओगे तो हो सकता है आपके काफ़ी सारे पैसे बेमतलब में चले जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि Skyscanner के यूज करके आप कैसे प्रॉपर फ्लाइट या होटल बुक कर सकते हो जिसमें आपको सेम चीज मिलेगा लेकिन मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में, ओके। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है वीडियो रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते एक नया वीडियो में, तब तक स्टे फ्री एंड स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।